फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टूस टूसी। थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना प्यार हमारे साथ शेयर किया, हमारी रेसिपीज को लाइक किया, अपना व्यूज हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। गुड न्यूज है आप सभी के लिए, हमारी फैमिली अब 1000 सब्सक्राइबर्स की हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब हमें इस फैमिली को 1000 से 10,000 सब्सक्राइबर्स बनाना, एंड ऑल दैट इज योर एफर्ट दैट विल हेल्प मी, पुश मी, ताकि मैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज इसमें डाल सकूं, वीलॉग्स बना सकूं, अलग अलग रेस्टोरेंट टाई अप कर सकूं और आपके साथ अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छा अच्छा फूड शेयर कर सकूं। सो गाइस, आज की रेसिपी एक इटालियन डिश है, बहुत ही फेमस इटालियन डिश, पास्ता। जी हाँ, आज हम बनाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता विद लॉट्स ऑफ एक्सॉटिक वेजीज। यस, सो लेट्स गो एंड चेक आउट द रेसिपी। मशरूम, येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, बेबी कॉर्न एंड ब्रोकली, 1 टेबलस्पून बटर, 25 ग्राम्स मैदा, 250 ग्राम दूध, 250 ग्राम पास्ता। यहाँ मैंने ड्यूरम वीट पास्ता लिया है, विच मेक्स इट अ हेल्दी डिश। पिज्जा सीजनिंग, अमूल चीज, सॉल्ट एंड चिली फ्लेक्स। सबसे पहले हम व्हाइट सॉस बनाएंगे, जिसके लिए हम एक पैन में बटर ले लें, उसमें मैदा ऐड करें और उसे अच्छी तरह से स्टर करें। दो से तीन मिनट इसे अच्छी तरह से स्टर करने के बाद हम इसमें 250 ग्राम ठंडा दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहें ताकि कोई लम्ब्स ना रह जाए हमारे सॉस में। सॉस जैसे ही थोड़ी सी गाढ़ी होने लगती है, हम इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाल देंगे। एंड हियर आवर वाइट सॉस इज रेडी। अब हम पास्ता बॉयल कर लेते हैं। वेसल में पानी ले, नमक डालें, थोड़ा सा ऑयल एंड इसमें पास्ता डाल के आप उसे 5 से 10 मिनट तक बॉईल होने दें। जब तक हमारा पास्ता बॉईल होता है, हम अपने वेजीज सौते कर लेते हैं। एक पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, मशरूम, ब्रोकली, पिंच ऑफ सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स, बेबी कॉर्न, येलो बेल पेपर्स एंड रेड बेल पेपर्स, इन सभी को डाल के अच्छे से स्टर करें। लेट इट कुक फॉर 5 to 10 मिनट्स। इस बात का ध्यान रखें कि हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है और ना ही इसे किसी चीज़ से कवर करना है। वेजीज सौते हो गई है और हमारा पास्ता भी बॉयल हो चुका है। अब आप एक कढ़ाई लें, उसमें वेजीज डालें, पास्ता डालें, व्हाइट सॉस डालें और इन सभी को अच्छे से मिक्स करें। अब हम इसमें चीज डालेंगे, रेड चिली फ्लेक्स एंड पिज्जा सीजनिंग। व्हाइट सॉस मुझे थोड़ी कम लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा मेयोनीज डालूंगी, थोड़ा सा चीज ग्रेट कर ली ऊपर से। इसे 5 मिनट कुक होने दे। And then our white sauce pasta is ready. So guys, बन गई हमारी रेसिपी व्हाइट सॉस पास्ता विद एक्सॉटिक वेजीज। आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। इट इज अ वेरी वेरी हेल्दी डिश। ऑल्सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। Thank you. See you soon.